वही गुजरात के पोईचा में कल दोपहर में एक ही परिवार के 7 सदस्य तैराकी के दौरान नर्मदा नदी में डूब गए। घटना के बाद से ही एनडीआरएफ और वडोदरा फायर टीम खोज और बचाव अभियान चला रही है। बता दें, एसडीएम किशन दान गाड़वी ने बताया कि सूरत से 15 से 16 लोग का समूह आया था, जिसमें से 8 लोग नहाने के लिए नदी के अंदर गए थे और सभी डूबने लगे थे। स्थानीय मछुआरा केवल एक व्यक्ति को ही बचा पाया था और बाकी 7 लोग लापता हो गए। कल दोपहर से ही खोज अभियान जारी है। 1 बजे यहाँ 15-16 लोगों का एक सूरत से ग्रुप आया था, तो उसमें से 8 बंदे है वो यहाँ नहाने के लिए नदी के अंदर गए थे। उसमें से गहराई होने के कारण 7 तो सब डूबने लगे थे, उसमें से लोकल जो मासीमार हैं वो एक जन को बचा पाए और 7 कल दोपहर से ही अंदर गुम है। उसको ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम 2 बुला ली गई है। कल दोपहर से ही काम चालू है। उसके अलावा बड़ोड़ा से 2 टीम है फायर की, भरूच से फायर की टीम है, करजन से फायर की टीम है। और कल रात को 10 बजे तक एडवांस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हमने प्रयत्न किया था, लेकिन कुछ बॉडी नहीं मिला था। लेकिन आज सुबह 8 बजे के अराउंड हमें एक बॉडी मिल गई और सभी टीमें आज सुबह 7 बजे से ही 6:30-7 बजे से ही काम में लगी हुई कि जितना जल्दी हम ये काम बॉडी मिल सके उतना प्रयत्न ट्राई कर रहे हैं।